हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अच्छे होगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हम आए एक छोटे से पिकनिक के लिए, और ये है जो हम यहाँ पे मंदिर है, मंगाइनी मंदिर, वहाँ से थोड़ा सा आगे को ऊपर आके है। और सो रोनिका शर्मा जी की तो हालत ही बहुत खराब है, एंड वी हैव ब्यूटीफुल। और अब मेरी टांग भी ठीक हो गई गाइस। अंश कहाँ जा रहे हो आप, इनको दिखाना था। अरे ये इंसान हमेशा थकी हारी रशियन। तो हम लोग जो है यहाँ पे डांस कर रहे थे पहाड़ी सॉन्ग में, और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर जो है कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए मैं सॉन्ग नहीं चला सकती इस पे। एंड हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की सभी बहनों ने, और भी जो एक दो थे हमारे साथ, बहुत मज़ा आया। और यार देखो यहाँ का व्यू इतना ऑसम है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था कि घर भी जाए। और हमें यहाँ पे आई थिंक 2 या 3 आवर्स हो गए थे आए हुए, या इससे भी ज़्यादा ही हो गए। तो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम मस्त जो है व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और मेरी तबीयत भी ठीक सी नहीं थी, बट वहाँ जाके ना एकदम फ्रेश हो गई मैं भी, और बस नाचते ही रह गए हम लोग, नाचना। फिर हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हम अपने साथ काफ़ी कुछ खाने के लिए भी लेके गए थे। और यहाँ पे साथ में एक छोटी सी शॉप खुली हुई है, ये अभी आज ही इन्होंने न्यू ओपनिंग की है इसकी। तो हमने यहाँ पे जो है मैगी का ऑर्डर दिया था, तो हमने देखते हैं कैसा बनता है अब। तो चलो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मैगी कैसी बनती है, पहाड़ों वाली मैगी जो हम पहाड़ों में मिलके खाएंगे सभी। और इन दोनों की तो अलग ही यहाँ पे मौज मस्ती चली हुई थी दोनों की। दोनों इतना दौड़ रहे थे यहाँ पे, इतने खुश हो रहे थे। अंश तो सबसे ज़्यादा खुश हो रहा था, देखो कैसे दौड़ रहा है। और मनु को भूख सी लग गई थी, तो मनु बोल रही थी कि मुझे कुछ खाना है, तो चलो खा लेते हैं कुछ। कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाए थे हम, और काफ़ी कुछ खाने को लेके आए थे। चलो पहले इनको फिनिश करते हैं। तो सभी टूट पड़े हैं इन सब चीज़ों पे, और सभी अपना अपना बैठे हुए आराम से खा रहे सब। अब हम चल पड़े हैं वापस और घर की ओर, क्योंकि यार टाइम काफ़ी हो चुका है। तो चलते हैं, हम पहुंच चुके हैं हरिपुर धार, और हम गए थे हरिपुर धार से 2 किलोमीटर आगे, मंदिर से थोड़ा सा ऊपर को जाके है जहाँ पे हम घूमने के लिए गए थे। तो यार आते ही मैं लग गई थी चाय वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि घर पे आए थे कुछ गेस्ट, और जो गेस्ट है वो आए हैं जो हरिपुर धार मेले में सिंगर आए हैं यहाँ पे, तो वो घर पे आए थे बैठने के लिए, तो उनसे मैं आपको कल मिलवाऊंगी। तो फटाफट से पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। बढ़िया, आप बताओ। तो चलो आज हम जा रहे हैं शिमला, और हम जाएंगे थोड़ी देर में मेले में घूमने के लिए, और अब मैं मिलवाऊंगी आपको उनसे जो कल आए थे गेस्ट हमारे घर पे। हेलो, कैसे हो? सॉरी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया, मैं भी। कहाँ है बाकी? बाकी कहाँ है? बाकी कहाँ गए? अच्छा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग।
बात पे बिल्कुल अच्छी होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूं। आप इस बात पे बिल्कुल ध्यान ना दें और मुझे आप जो जानते हैं मेरे ऊपर दोस्त है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप देख रहे हैं यहाँ पर रोनिका शर्मा ब्लॉग और मेरे साथ है रोहिणी। ये कौन है? ये कौन है? अच्छा, दिखाओ वो वीडियो। और ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त और यस यस यस। और आप इनसे तो वैसे भी हो चुके हैं क्योंकि ये कुछ ही समय बाद आपको बहुत बड़े दिखाई देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा शैतान भी हैं और जरूरत से ज्यादा शैतानी करते हैं। और नहीं देखो, इनको कोई अभी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज जितना हो सके आप रोनिका शर्मा ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और हम हैं इस समय इनके विलेज में जो कि खूबसूरत सा यहाँ पर एक विलेज है जिसका नाम है हरिपुरधार। माँ बंगाइणी जी का एक बहुत सुंदर टेम्पल यहाँ पर है और हमें भी मौका मिला यहाँ आने का, अपनी प्रस्तुति देने का। एक सुंदर सा मेला लगा हुआ है, कमेटी ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उत्तराखंड से सिर्फ मैं इनवाइटेड हूँ। और इज अ वेरी गुड सिंगर, यस, वेरी डाउन टू अर्थ। तुम दोनों जलेबियां खा लेने की लो मेरी तरफ से, क्योंकि इतनी तारीफ मुझे हाजिर नहीं। दुकानदार का नाम बताओ मुझे। इतनी तारीफ मुझे हाजिर नहीं होगी। दुकानदार का नाम बताओ मुझे। दुकानदारी पता नहीं पर बहुत सारी है यहाँ पे। वो बोलना पड़ता है, बस नाम बोलना पड़ता है कि अनुप ने बोला है। तो यार आप लोग बने रहे इनके साथ क्योंकि इनके जितने भी ब्लॉग्स आते हैं प्लीज आप दिल खोल के सपोर्ट करें। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि मैं हूँ। ये आज मैं और आप इन्हें भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जान जाते फॉलो कर सकते हो गाइस। नहीं यार, इन्हें सब जानते हैं और ये दोनों ही सिस्टर्स हैं और बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं और ये भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये भी और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं कि जहाँ पर एकजुट होने का एक सौभाग्य मिलता है ना। आज हम मिले हैं और कुछ तो अच्छा होने वाला है। ये ब्लॉग सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला है, सच में बहुत ज्यादा। मिलते हैं आप लोगों से क्योंकि मेरा भी इसके बाद टर्न आने वाला है, फिर आप लोगों से जरूर मिलते हैं। बिल्कुल, तो लीजिए आप मिलते हैं थोड़ी देर में। Oh, my God.
की अगर 2 मिनट के लिए स्टेज पर आएगी तो देखना तारे हो जाए मेरी अभी मित्र है। आप सभी लोगों ने तारा लाड़ी गाना सुना है, तारा लाड़ी गाना सुना उस ट्रैक में नेहा जी ने अपनी अदा का जो जादू भी करा, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ ऐसे आर्टिस्ट के साथ मुझे भी मंच को साझा करने का मौका मिला। हिमाचल की बेटी एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए, बहुत जल्दी इसकी मूवी लॉन्च होने वाली है और एक बार ममता डांस ग्रुप के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ममता डांस ग्रुप मैं समझता हूँ कि इनके मुकाबले में शायद ही तो हम आ चुके थे वापस मेला देख के और शॉप पे आ गए थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है क्योंकि आज जो है हमारे सीएम सर यहाँ पे आए हुए थे, तो अब उनकी वापसी का टाइम हो चुका है तो इसीलिए ये भीड़ लगी है। एंड यार मेरा व्लॉग ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।